हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती विथ बेल स्लीव्स। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर और जो प्रिंटर फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को 2/4 में लिया हुआ है। हम बैक का पार्ट कट करेंगे तो शोल्डर में लूँगी यहाँ पर 7 इंचेस का, आर्म होल भी मैं लूंगी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो चेस्ट का पार्ट मैं लूंगी यहाँ पे 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड कर दीजिए सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस, तो वहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी, और हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस। अब यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 12 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 45 इंचेस। ये है हमारी लेंथ। तो ये जो हमारा हिप्स का पॉइंट है उसे हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक, तो इसे नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है हमारी लेंथ तक। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो यहाँ से इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। और लेंथ मैं लूँगी 4 इंचेस। अब यहाँ पे राउंड शेप बनाऊंगी दोनों को मिलाते हुए। ये देखिए, हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। ये हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है, अब हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने राइट साइड पे प्लेस किया हुआ है, और हमने जो बैक का पार्ट कट किया था उसे हमने इस तरह से प्लेस किया हुआ है। अब हम इसे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट साइड का पोर्शन कट करेंगे, तो इस तरह से ये मैंने राइट साइड का ड्रॉ कर लिया है। तो इसे एज इट इज़ मैं नीचे तक ड्रॉ करूँगी। इसे हमें लेंथ तक ड्रॉ कर लेना है एज इट इज। ये हो गई हमारी लेंथ। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पे शेप देंगे, तो ऊपर से मैं अप्रॉक्स 5 इंचेस डाउन पे मार्क करूंगी इस तरफ से, और यहाँ से हम शेप देंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लूंगी, उसके बाद यहाँ पे कर्व शेप बनाएंगे हम इस तरह से। हल्का सा राउंड शेप दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से नीचे तक स्ट्रेट लूंगी। तो यहाँ से हमें नीचे तक स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इसे हमें कट कर लेना है, इस पोर्शन को हमें कट करना है। ये देखिए, हमने फ्रंट का राइट साइड का पोर्शन हमने कट कर लिया है। अब हम लेफ्ट पार्ट को कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने राइट साइड पे ही प्लेस किया हुआ है, इसके ऊपर हम बैक के पार्ट को इस तरफ से प्लेस करेंगे। और यहाँ से मैं इस तरह से अच्छे से इसे रख के हम मार्क कर लेंगे।
ये हो गया हमारा नेक और ये हमारा आर्म होल। तो इसे नीचे तक हमें एज इट इज मार्क करके कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट के पार्ट को दो पीसेस में कट कर लिया है और ये मेरा राइट पार्ट है। इसके ऊपर हम इसे रखेंगे तो इस तरह से हमारा फ्रंट का शेप आएगा। इसके ऊपर ये ओवरलेप होगा। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4/4 में लिया हुआ है और ये 4/4 मैंने लिया है 9 इंचेस का। अब यहाँ से 3 इंचेस डाउन पे मैं एक मार्क करूँगी, ये है हमारी ओपन साइड। अब यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। तो इस तरह से ये मैंने स्लीव्स का शेप बना दिया है और लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। तो ये हमने स्लीव्स कट कर ली है। अब हम नीचे बेल स्लीव्स बनाने वाले हैं। तो फैब्रिक को मैंने 8/4 में लिया हुआ है और यहाँ से मैं 1/1 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से मैं राउंड शेप दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे हम सर्कल कट करेंगे। तो यहाँ से मैं लेंथ लूँगी 6.5 इंच। और यहाँ से ये भी है 6.5 इंच। अब यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट कर लेना है। ये फैब्रिक को मैंने 8/4 में लिया हुआ है। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमें दो सर्कल्स मिल गए हैं दो स्लीव्स के लिए। तो यहाँ से इस तरह से हमारा बेल शेप बनेगा। तो इसी तरह से कि मैंने प्लेन फैब्रिक से भी दो सर्कल कट किए हुए हैं और इसकी लेंथ मैंने ली है 4.5 इंच और इसकी हम लेंथ हमने ली थी 6.5 इंच। तो इस तरह से दो लेयर्स के बीच मैंने 2 इंचेस का डिफरेंस रखा हुआ है। तो इस तरह से इसके ऊपर हम राइट साइड पे प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स का शेप आएगा। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये मैंने रॉन्ग साइड पे प्लेस किया हुआ है फ्रंट के पार्ट को। इसके ऊपर हम दूसरी जो हमारा पीस है उसे हम रॉन्ग साइड पे ही प्लेस करेंगे। तो दोनों को रॉन्ग साइड पे रख के नेक को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम नेक पे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे। तो हल्के हाथों से आपको यहाँ पे नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे।
कि हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है, तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो जाएगा। राइट साइड पे टर्न करने के बाद हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है हल्का सा, और यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। तो नीचे तक हमें इसे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार है। अब हम बैक के पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये राइट साइड पर मैंने रखा हुआ है, उसके ऊपर हम स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे पूरी नेक में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम नॉचेस लगाएंगे, और नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न करना है और डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो रॉन्ग साइड पे इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये हमारा बैक का नेक भी तैयार है, और ये हमारा राइट साइड है। उसके ऊपर में जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। दोनों तरफ से आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करनी है। ये देखिए, हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड है, उसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे। इस तरह से स्लीव्स को रॉन्ग साइड पे रखते हुए हम दोनों तरफ से इसे ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइन करना है। इसे इसके ऊपर उल्टा रखते हुए हम दोनों तरफ से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हमने स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद चेस्ट पार्ट में लूंगी यहाँ पे 19 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट आता है उसे बस हाफ करना है। आप चाहे तो 1 इंच ऐड कर सकते हैं लूजिंग के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है मेरी 15 इंचेस और हिप्स की लेंथ है मेरी 20 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 20 इंचेस। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। और यहां से हम इस पॉइंट को नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे, तो हमारी लेंथ तक इसे एक्सटेंड कर देना है 1 इंच के डिफरेंस पे। स्लीव्स की चौड़ाई में ले रही हूँ 4.5 इंच, और यहाँ से हम इस पॉइंट को यहाँ तक मिला देंगे, और यहाँ से भी मैं लूँगी 4.5 इंच। तो ये हमने जहाँ ड्रॉ किया है वहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे फिटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने फिटिंग कर ली है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है और आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम ये जो हमने सर्कल कट किए थे, ये हमारा राइट साइड है, उसके ऊपर में इसे दूसरा भी राइट साइड पे ही रखूंगी, और यहाँ पे अच्छे से मिलाते हुए हम ये जो हमारी ब्रॉडनेस है, तो ये हमारा स्लीव्स का राइट साइड है, उसके ऊपर हम इसे उल्टा रखेंगे। इस तरह से हमें उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है, और यहाँ पे इस तरह से
अच्छे से मिलाते जाना है और यहाँ पे हम पिन कर लेंगे। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा के फिटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स राइट साइड से इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स को भी जॉइन करना है। ये देखिए हमारे स्लीव्स तैयार है। अब हम लास्ट में ये जो हमारी बॉर्डर है उसे हमें पिको करना है, या फिर आप इसे डबल फोल्ड भी कर सकते हैं रॉन्ग साइड पे। तो इसी के साथ हमारी डिज़ाइनर विथ बेल स्लीव्स कुर्ती बिल्कुल तैयार है। सो गाइज, तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती विथ बेल स्लीव्स एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।